हेलो एवरीवन, आई एम रीनू फ्रॉम पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो चैप्टर हम लोग कवर करने जा रहे हैं, दिस इज़ अरंगाज पेरिस, चैप्टर 3 फ्रॉम स्नैपशॉट, क्लास 11th के सिलेबस से है। इट्स रिटन बाय मस्ती वेंकटेशा एनगर। तो अरंगाज पेरिस नाम से ही लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो चलिए इसको रीड कर ही हम लोग इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि इसकी स्टडी के बाद ही कि क्या है इस स्टोरी में, और जो राइटर हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं, अपना कौन सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं बाय दिस स्टोरी। ओके, रंगा द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड। रेयर ब्रीड होता है कि जो बहुत सारे लोग जहाँ पर एक जैसे हों और वहाँ पर कोई उनसे अलग आए, जो उनसे ज़्यादा क्वालिटी हो उसमें, जो कुछ एक नया काम करके वो आता है। जैसे कि एक एग्जांपल कह सकते हैं कि बहुत सारे अनपढ़ लोगों के बीच में कोई बहुत सा पढ़ा लिखा आ जाए। तो सेम वही कंडीशन है कि जो रंगा है वो अकाउंटेंट है, उनका बेटा है। तो उन्होंने जो है अपनी मतलब अपने विलेज से एक अपने बच्चे को स्टडी करने के लिए सिटी में भेजा था। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती थी उस वक्त में। When he returned to his village from the city of Bangalore, अब सोचिए बेंगलोर भेजा था उन्होंने, तो गांव का लड़का जहाँ पे लोग कुछ मतलब बहुत सिटी को कोई बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, और उन्होंने बेंगलोर वहाँ पे भेजा अपने बच्चे को स्टडी करने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी उन लोग के लिए। तो वो वहाँ से वापस आया, द क्राउड स्मेल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज और नॉट। अब सोचिए कितनी बड़ी बात उनको लग रही थी कि पूरा क्राउड, मतलब एक तरीके से सारे विलेजर्स जो थे वहाँ पर, वो वहाँ पे कलेक्ट हो गया करके ये देखने के लिए कि जो रंगा था वो जो गया था स्टडी के लिए वो वैसा ही है या उसमें कुछ चेंजेस आ गए। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे। तो अब मतलब उसके जो विचार थे शादी के लिए वो वैसे ही हैं या कुछ डिफरेंट हुए हैं, मतलब एक सब बहुत सारी बातें। तो बहुत सारा क्राउड जो है उनको देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो गया था। व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज। तो सही बात है कि जब आप देखते हैं इस टाइटल को, कि जो टाइटल है हमारी स्टोरी का रंगाज मैरिज, तो सम ऑफ यू मे आस्क, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं रंगा मैरिज, पूछते हैं मतलब रंगास मैरिज, व्हाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया। ये मतलब क्यों रंगनाथा विवाह रख देना चाहिए था टाइटल, या रंगनाथा विजया रख देना चाहिए था। वेल यस, हाँ ठीक है, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरज कल्याणा। हाँ मैं मतलब इसका नाम तो कुछ भी रख सकता था कि जैसे जगन्नाथा विजया या गिरजा कल्याणा, मतलब एक इम्पॉर्टेंट से होते नहीं है कि इम्पॉर्टेंट से भी रख सकता था मैं, एक अलग नेम उसको दे सकता था थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए, टॉप क्लास का मैं दे सकता था इनको नेम, फेमस नेम्स को। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथा विक्ट्रीज और गिरजाज मेडिक। लेकिन ये जो हम स्टोरी पढ़ेंगे ये जगन्नाथ की विजय या फिर गिरजास वेडिंग के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट आवर ओन रंगास मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। तो ये सिर्फ एक रंगा है, रंगा की मैरिज के बारे में है, इसीलिए जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है। होसाहाली इज़ आवर विलेज। तो होसाहाली जो है हमारा गाँव है, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। नो मतलब यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, तुमने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। नो नहीं, व्हाट अ पिटी, मतलब कितनी मतलब ये दया भरी बात है, कितनी ये दयनीय बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन ये आपकी गलती नहीं है। क्यों आपकी गलती नहीं है? इसलिए क्योंकि वो इसलिए जस्ट मिनट, तो ये जो है आपकी फॉल्ट नहीं है। देर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक
those sahib in England writing in English probably don't know that such a place exists and so make no mention of it. तो कहने का मतलब ये कि इसमें किसी की गलती नहीं है. वो बताते हैं कि ये आपका फॉल्ट नहीं है अगर आप होसा हाली के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के बुक में कहीं मेंशन ही नहीं है इसके बारे में. जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें सारे सिटीज़ सारे कंट्रीज़ का के बारे में मैप होता है, तो मैप के थ्रू हमको समझाई जाती है उसकी पोजीशन, उसकी कंडीशन, उसकी जो भी है उसकी अराउंडस हर चीज़. लेकिन ये तो मैप में ही नहीं है, किसी ज्योग्राफी की बुक में नहीं है, क्योंकि उस वक्त में जो साहिब इंग्लैंड के जो साहिब लोग होते थे, साहिब वो जो इंग्लिश में लिखते थे, तो प्रोबेबली प्रायः मतलब वो जानते ही नहीं थे कि कोई ऐसा भी प्लेस है, होसा अली जैसा भी कोई जगह है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट. तो इसलिए उन्होंने कहीं कुछ इसके बारे में कुछ नहीं बताया. आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. तो अंग्रेज साहबों की तो बात ही आप छोड़ दें, हमारे अपने लोग इसके बारे में बताना भूल गए. यू नो हाउ इट इज़, मतलब तुम जानते हो कि जो सिचुएशंस है वो कैसे हैं. दे आर लाइक अ फॉर्ड ऑफ शीप. मतलब ये जो लोग हैं जो मतलब भूल गए हैं, अपने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं ये कैसे हैं. शीप के जो भेड़ों का जो झुंड होता है, शीप का जो ग्रुप होता है, उसी की तरह हैं. क्यों? वन शीप वॉक इन टू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. तो अगर एक शीप कहीं मतलब जाती है वॉक करने के लिए, गर्त में जाए, अच्छी जगह में जाए, कहीं भी वॉक करने के लिए जा रही है, तो द रेस्ट, रेस्ट मतलब जो रिमेनिंग है, जो बची हुई है, वो भी ब्लाइंडली मतलब आँखों पे पट्टी लगा करके उनको फॉलो करती है. ये नहीं देखेंगी कि वो किस जगह पर जा रही हैं. वो हमारे लिए राइट है या रॉन्ग है, हमें जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए. वेन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड एंड ओन जियोग्राफर्स हैव नॉट रेफर्ड टू इट, यू कॉन्ट एक्सेप्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन मैप, कैन यू. तो मतलब वो कह रहे हैं कि जब वो साहब लोग जिन जो इंग्लिश में लिखते थे इंग्लैंड के, वो और हमारे खुद के जियोग्राफर जो मतलब भूगोल लिखते हैं, जो राइटर थे जो भूगोल के बारे में बताते हैं, उन्होंने जब इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, उन्होंने जब इसको नहीं बताया इसके बारे में, तो आप बिल्कुल भी उन लोगों के बारे में कैसे ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो कार्टोग्राफर है, कार्टोग्राफर वो होते हैं जो मैप के बारे में लिखते हैं या बताते हैं या मैप बनाते हैं. ज्योग्राफी में मैप आपको पता होगा ना कि मैप होता है इंडिया का, वर्ल्ड का, तो वही मैप. तो जो मैप के बारे में बताते हैं उनसे आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो इस होसा हाली के बारे में कुछ बताएंगे, कैन यू, क्या तुम रखते हो. एंड सो देर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप. तो इसी ये वजह है, उसके पीछे ये रीज़न है कि इसलिए ही हमारे विलेज की थोड़ी सी भी झलक कहीं भी नहीं मिलती है मैप में. सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अदर डायरेक्शन. तो वो कहते हैं, राइटर कहते हैं कि अरे भाई मतलब ये तो गलती हो गई कि मैं बताने तो कुछ जा रहा था, आई स्टार्टेड समवेयर, कि मैंने बात तो रंगा कि मैरिज की शुरू करी थी और बताने में कुछ और लग गया आपको, और मैं बात किसके बारे में करने लगा, होसा हाली के बारे में. इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ द भारत वर्षा, यानी कि इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष, वॉट द स्वीट कारी वडू इज़ टू अ फेस्टिव मील. तो मतलब वो क्या बता रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया के लिए जो मैसूर है, जो कि अब कर्नाटका उसको बोलते हैं, पहले मैसूर बोलते थे, तो जिस तरीके से भारत के लिए जो कर्नाटका है वो एक स्वीट कारी गडबू होता है, जो कि फेस्टिवल वगैरह भी यूज़ होता है, एक मिठाई की तरह बहुत स्वीट मिठाई होती है, तो जैसे ये उसकी तरह है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कर्नाटका फॉर इंडिया. तो उसी तरीके से देन होसा हाली इज़ टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज़ टू कारी गडबू. तो उसी तरीके से जो कर्नाटका है, यानी कि मैसूर जो स्टेट है, उसके लिए जो है होसा हाली उतना ही इम्पॉर्टेंट है. तो जो फीलिंग होती है कारी गडबू एक गुजिया, जो गुजिया होती है ना, गुजिया जो बनती है किसी भी फेस्टिवल पर, उसके अंदर फिल करते हैं कुछ भी, खोया फिल करते हैं या फिर सूजी फिल करते हैं, नारियल कुछ करते हैं इस तरीके से फिल,
तो जो कारी कडब्बू के अंदर की जो फीलिंग है उसी तरीके से ये होसाहाली है किसके लिए, कर्नाटका के लिए, ठीक है, मतलब उतना ही इम्पोर्टेंट। वट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी, और जो कुछ भी मैंने अभी कहा कि बिल्कुल सच है, मेरा यकीन करिए। आई नॉट ऑब्जेक्ट टू यू क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। तो वो कह रहे हैं कि मैं, अगर आपको मतलब कुछ लगेगा या आप ऑब्जेक्ट करना चाहें जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, तो मैं उससे इनकार नहीं करूँगा। मैंने जो ओपिनियन दिया है या जो मैंने बातें बताई हैं, मैं उस पर कायम रहूँगा। आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, मैंने जो बातें कही हैं अपने स्टेटमेंट में कायम रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक ग्लोइंगली ऑफ होसा आली, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। ग्लोइंगली मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर, बहुत उसको अप्रिशिएट करना, तारीफें करते रहना। तो मैं कोई अकेला नहीं हूँ जो होसा आली की इतनी बढ़ा चढ़ा के तारीफें करता हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा। हमारे पास एक डॉक्टर है, हमारे एक डॉक्टर है वहाँ पर हमारे गांव में, जिनका नाम क्या है, गुंडा भट्टा। ही एग्रीज विद मी, वो मुझसे एग्री करते हैं, मेरी बातों से एग्री करते हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, मतलब नॉट नो नॉट इंग्लैंड। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही से नो अन्ना। तो मतलब ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, नो नॉट इंग्लैंड। इफ एनी, अगर कोई उनसे पूछता है, इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, मतलब कि वो कई जगहों पे घूमे हैं, कई जगहों पे उन्होंने भ्रमण किया हुआ है। बट अगर कोई पूछता है कि क्या आप इंग्लैंड भी गए हैं, तो वो कहते हैं नो नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं गया, बाकी गया हूँ मैं। नो अन्ना, अन्याय, अन्याय जिसे बोलते नहीं कर्नाटका में अन्ना अन्ना करके, तो वो बड़े भाई की तरह एक रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं गया। बड़े भाई या कुछ भी अन्ना बोलते हैं फिलहाल वहाँ। तो आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, ये आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, उन्होंने क्या कहा, गुंडा भट्टा ने कहा कि ये जो घूमने वाला काम है, इंग्लैंड जाने वाला काम है, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है, जिन्होंने पूछा उनसे। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्लिया पेस्टर्ड डॉग इज़ नॉट फॉर मी। अब देखिए, तो ये जो फ्लिया डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मतलब ये एक डिजीज़ है कि अगर डॉग को ना कोई ये प्रॉब्लम होती है, तो उसको बहुत ईचिंग होती है, पूरी बॉडी में बहुत ईचिंग होती है, और वो इधर उधर भागता रहता है। रनिंग अराउंड लाइक मतलब इधर उधर भागता रहता है। तो वही वो कहने लगे गुंडा भट्टा कि मैं मतलब उस डॉग, मैं वो डॉग नहीं हूँ कि मैं इधर उधर भागता रहूँ। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, तो हाँ मैंने बहुत सारी जगहों को देखा है। एज मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मेनी, तो मतलब वो एक अलग बात है कि मैं बहुत जगहों पर गया हूँ, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, उस डॉग की तरह इधर उधर भागते रहना, घूमते रहना। तो इसलिए ये काम मैंने आप लोगों पर छोड़ रखा है, उन्होंने ऐसे बोला। वी हैव सम मैंगो ट्री इन आर विलेज, तो क्या बताते हैं आगे राइटर कि वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आर विलेज, हमारे गांव में मतलब मैंगो ट्रीज हैं। कम विजिट अस, मतलब आइए और उनको विजिट करिए, उनको देखिए। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, मैं उनमें से आपको एक रॉ मतलब कच्चे आम जो होते हैं, कच्चे आम के बागीचे बागीचे होते हैं, तो उस बागीचे में बहुत सारे आम लगे हैं। वो बता रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं ना अपने गाँव के बारे में, वो अपने गाँव की जो क्वालिटीज़ हैं, जो वहाँ की खूबियाँ हैं, वो बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वहाँ बहुत सारे आम हैं कच्चे, मैं उनमें से, रॉ होता है कच्चा, मैं उनमें से आपको दूंगा। डोंट ईट, डू नॉट ईट इट, मतलब आप इसको खाइएगा नहीं, जस्ट टेक अ बाइट, बस आप क्या इसकी एक बाइट टेस्ट करिएगा। द सॉरिसनेस, सॉरिसन मतलब खट्टापन, इज योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्राह्मण धारा, मतलब वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेट मतलब एकदम सीधी, इसकी जो खटास है, जो खट्टापन है, वो सीधे आपके कहाँ बिल्कुल सिर पे चढ़ जाएगी। ब्राह्मण धारा मतलब वही सर पे, बिल्कुल सर पे एकदम चक्रा सा आने लगेगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, तो एक बार क्या किया था हम, मैं इस फ्रूट को ले गया और मैंने चटनी बनाई थी इसकी। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब लोगों ने खाया। द कफ वॉज सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और उसके बाद क्या हुआ, सारे लोग जो है, सारे लोगों को कफ हो गया। इट वॉज़ वेन आई वेंट फॉर कफ मेडिसिन, तो ये उसी वक्त की बात है जब मैं इसी, जब मुझे कफ हो गया, हम सब लोगों को, तो मेडिसिन के लिए, कफ मेडिसिन के लिए मैं गया था। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तभी डॉक्टर ने जो है, उन डॉक्टर ने मुझे
इस फ्रूट की क्वालिटी के बारे में बताया था, मतलब इस गांव की जो मैंगोस ट्री हैं इस फ्रूट की क्वालिटी के बारे में उन्होंने मुझे बताया था। किसने बताया था? डॉक्टर ने बताया था। ठीक है, जस्ट एज द मैंगोज स्पेशल शू इज एवरी थिंग इज अराउंड आवर विलेज। तो मतलब जब जब मैंगो की बात कर रहे हैं कि जब मैंगो इतना स्पेशल है तो सो एवरी थिंग, इसलिए सारी ही चीज़ें जो हमारे गाँव में हैं वो सारी ही स्पेशल हैं। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हमारे जो विलेज की पॉन्ड हैं, जो तालाब हैं जहाँ पे मतलब पानी भरा होता है, उसमें ग्रोइंग करते हैं क्रीपर, जो लताएं होती है ना, क्रीपर्स जो रेंगने रेंगने से सेंस होता है, जो गिरती हैं। तो लताओं के बारे में बात करें कि वो पॉन्ड्स में जो है, विलेज की पॉन्ड्स में जो है लताएं होती हैं, इट फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड। और जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो बहुत खूबसूरत, वो देखने लायक होते हैं। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू पॉन्ड फॉर योर बाथ। मतलब जब आप नहाने के लिए पॉन्ड में जाएं, उन्होंने कहा कि जब आप नहाने के लिए पॉन्ड में जाएं तो इस क्रीपर की दो लीव्स जो है वहाँ से ले लीजिएगा, एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच सर्व द आफ्टरनून मील। मील होता है भोजन। तो फिर जब आप इसकी दो लीव्स को लेकर आएंगे तो आप वरी, मतलब आपको चिंता नहीं होगी कि आफ्टरनून जो दोपहर का खाना है वो आप कहाँ खाएं, क्योंकि आप इन्हीं पत्तियों पे खा सकते हैं, क्योंकि जो ये पत्ते होते हैं इन लताओं के, क्रीपर्स, वो बहुत बड़े होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि आप उस पे आराम से अपना खाना खा सकते हैं। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। अब आप कहेंगे कि मैं बहुत फेंक रहा हूँ, रैम्बलिंग मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा चढ़ा की बातें करते रहना, तो आपको लगेगा कि मैं जो है फेंक रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। तो ये हमेशा ऐसा होता है जब भी मेरे गांव का सब्जेक्ट आता है या मेरे गांव के बारे में बात होती है तो इस तरीके की बातें होती हैं। बट इनफ, लेकिन ठीक है। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी, यदि कोई भी इस गांव को विजिट करना चाहता है, देखना चाहता है, देखना चाहे, तो ड्रॉप मी अ लाइन, मुझे एक लाइन लिखे, आई लेट यू नो वेयर होसा हाली इज़। मतलब मैं आपको कंफर्म करूँगा कि ये जो होसा हाली है ये कहाँ पर है, एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हेयर, और कौन क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, किस तरीके की है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ विजिट टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। तो उन्होंने कहा, और सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा तरीका तो ये है होसा हाली के बारे में जानने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी खूबियाँ, उसकी जो मतलब अप्रिशिएशन जो हो रहा है इतनी देर से, उसको अप्रिशिएट की जा रही है, ये सब चीज़ें जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि होसा हाली को विज़िट किया जाए, खुद से देखा जाए, खुद से समझा जाए। और क्या आप सहमत नहीं है मेरी बात से? राइटर ऐसा बोलते हैं। वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन 10 ईयर अगो, सॉरी। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 10 साल पहले हुआ था। वी डिंट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन। उस वक्त में क्या होता था, 10 साल पहले की बात बताने जा रहे हैं राइटर, कि उस वक्त में क्या मतलब हुआ था। तो उस वक्त में लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। अवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट, यानी कि हमारे गाँव के जो अकाउंटेंट थे वो पहले ऐसे थे, वन हू हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। मतलब उन्होंने जो है, जो वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपने बेटे को सिटी में, बेंगलोर में जो है स्टडी करने के लिए भेजा था। इट इज़ डिफरेंट नाउ, हालांकि अब चीज़ें अलग हैं, अब सब जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो चेंज हो चुकी है। देर आर मेनी हु नो इंग्लिश, अब तो बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम टू एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। तो छुट्टियों के दिनों में अगर आप देखें तो हर गली में आपको इंग्लिश बोलता हुआ कोई ना कोई बात करता हुआ दिख जाएगा। दोज डे, उन दिनों की मतलब 10 साल पहले, वी डिंट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात नहीं बोलते थे। नॉर, ना ही, NOR नॉर होता है, ना ही डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड, और ना ही हम कोई भी इंग्लिश का वर्ड लाते थे। वाइल यानी कि जब, टॉकिंग जब हम बात करते थे इन कैनेडा, यानी कि वर्ल्ड टॉकिंग इन कैनेडा, जब हम कैनेडा में बात करते थे तो हम एक भी शब्द इंग्लिश का उसमें यूज़ नहीं करते थे। वॉट हैज़ हैपन इज डिस्ग्रेसफुल, यानी कि जो भी कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था। बिलीव मी, मुझ पर यकीन करिए। द अदर डे आई वॉज इन रामाज राउस हाउस वेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड।
तो अगले दिन मैं रामा राउस के हाउस में था, राइटर मतलब जो राइटर था वो रामा राउस के हाउस में था, जबकि उन्होंने एक बंडल खरीदा था लकड़ियों का, फायरवुड मतलब लकड़ियों का बंडल खरीदा था जलाने के लिए। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, तो जो रामा राव थे उनका बेटा जो था उन लकड़ियों के पैसे देने के लिए बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमन, उसने लेडी से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मतलब इनके क्या पैसे मुझे देने हैं। 4 पाइस, उसने कहा 4 पाइस। शी सेड द बॉय शी सेड द बॉय टोल्ड हर, मतलब उस लेडी ने कहा कि 4 पाइस चाहिए, तो द बॉय टोल्ड हर ही डेंट हैव एनी चेंज एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उस लड़के ने कहा, रामा रॉयस के जो उस राउस के सन थे उन्होंने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है, आप कल आइएगा सुबह। द पुअर वुमन डेंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। अब वो लेडी तो समझ नहीं पाई चेंज का क्या मतलब है, और मटरिंग मतलब अपने आप में ही बुदबुदाती सी कुछ बात करती हुई चली गई। आई टू डेंट नो, मैं भी नहीं जानता था। लेटर, लेटर होता है बाद में, एक लेटर ये और एक लेटर जो खत होता है, ये खत वाला नहीं ये बाद वाला है। व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क हिम, जब मैं रंगाज के हाउस गया और मैंने उनसे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, तब मैं समझा कि इसका क्या मतलब होता है। दिस दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आर विलेज अ डिकेड एगो, यानी कि मतलब क्या था, एक ये उस वक्त यानी 10 साल पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा मतलब फैली नहीं थी चारों तरफ कि उसको सारे लोग उसके बारे में जानते हों। दैट वॉज वाई रंगास होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, पीपुल रश टू हिज स्टोर स्टेप अनाउंसिंग, मतलब इसीलिए जो रंगा वापस आया था जब, तो इसलिए ये होम कमिंग जब वो अपने घर वापस आया तो एक बहुत बड़ा इवेंट था, और पीपुल जो है भाग कर उसके दरवाजे पर पहुँचे, अनाउंसिंग मतलब एक अनाउंसमेंट हो रहा था कि रंगा वापस आ गया है, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, ये अनाउंसिंग हो रही थी कि जो अकाउंटेंट के सन सन था बेटा था वो वापस आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर, मतलब देखिए क्या अनाउंसिंग हो रही थी कि वो लड़का जो बेंगलोर गया था पढ़ने के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, वो वापस आ चुका है। ये मतलब कितनी बड़ी बात थी उस वक्त के लिए। इट सीम्स एंड कम रंगाज इज हेयर, कम रंगाज इज हेयर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। तो मतलब उन्होंने क्या कहा कि जल्दी से आओ, रंगा यहाँ पर है, चलो चलते हैं और उसको एक बार देखते हैं कि मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। लोगों में इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी उसको देखने की और उसको समझने की। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट, मतलब जब बहुत सारी क्राउड होता है भीड़, भीड़ जब जाने लगी तो जो राइटर था वो भी बहुत अट्रैक्टेड हो गया और गया। आई टू वेंट, मैं भी गया, स्टूड इन कोर्ट यार्ड एंड आस्क, मैं जो है आंगन में खड़ा हो गया और मैंने पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपुल केम, ये सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं। देर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकीज हियर, यहाँ कोई बंदर का नाच तो हो नहीं रहा है, मतलब यहाँ कौन सा ऐसा कुछ करतब दिखाया जा रहा है कि सारे लोग यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं। अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड इनफ फॉर एवरी वन टू हर, एक लड़का था जो बिना दिमाग के था, कम बुद्धि का था, तो उसने बहुत ज़ोर से कहा ताकि सारे लोगों ने ही सुन लिया कि व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसने मुझसे कहा कि तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। देन अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर, तो मतलब वो क्योंकि वो बिल्कुल ही मेच्योर नहीं था, कोई मैनर नहीं था उसके अंदर, तो उसने ऐसे बोल दिया, थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ पास्ट आई केप्ट क्वाइट, तो ये सोच कर कि उन टाइम पे जो पास्ट में थी ना ये सब चीज़ें जो है मतलब थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंक, वो सारी चीज़ें वर नाउ ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट में होती रही थी, होती रही होंगी या होती थी, आई केप्ट क्वाइट, इसलिए मैं चुपचाप था, मैं चुप था, मतलब ये सब सोच करके। ठीक है, सींग सो मैनी पीपल देयर, रंगा कम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस,
Had we all gone inside, the place would have turned into the people call it the black hole of Calcutta. Thank God it didn't. यानी कि इतने सारे लोगों को दे मतलब बहुत सारे लोग थे, तो इतने सारे लोगों को देखा जब रंगा ने, तो वो खुद वाप घर के बाहर आया और उसके चेहरे पे स्माइल थी. हैड वी ऑल गो इनसाइड, लेकिन राइटर सोच रहा था कि अगर हम सारे लोग अंदर चले जाते तो जो उसका घर था वो किस में टर्न हो जाता, ब्लैक होल, जो कि कलकत्ता में है, जहाँ पे क्या होते हैं कि प्रिजनर्स रहते हैं. तो थैंक गॉड कि उनका जो घर है वो ब्लैक होल नहीं बना और ऐसा कुछ नहीं हुआ. एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी द रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बिन 6 मंथ अगो. तो सारे लोग सरप्राइज थे कि 6 महीने पहले रंगा जैसा था वैसा ही अभी भी है. वेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जब उसने हमारा गाँव छोड़ा था. एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत जो उसके पास में खड़ी हुई थी, उसने क्या किया, रन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसने उसके चेस्ट पे हाथ फेराया, लुक्ड इनटू हिज आइज एंड सेड, उसकी आंखों में देखा और कहा, द जनेवर जनेवर इज स्टिल देयर. यानी उन्होंने जनेव नहीं होता जो पहनते हैं ब्राह्मण लोग, तो वो जनेव, उसने कहा कि जनेव अभी तक है. ही हैज़ नॉट लॉस हिज कास्ट, उसने अपनी कास्ट नहीं खोया है. शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट रंगा लाफ्ड, तो वो जल्दी ही फिर ये कहकर चली गई. उसके बाद रंगा हंस पड़ा. वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड सेम हैंड लेग्स आइज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन चाइल्ड माउथ. तो जब एक बार उन लोगों को रियलाइज्ड हो गया कि मतलब रंगा में कोई चेंज नहीं आया, उसके वैसे ही हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, नाक है, सब कुछ है, तो जो भीड़ मतलब कलेक्ट हुई थी वो धीरे धीरे क्या हुआ, मेल्ट, मेल्ट होता पिघल जाना, यानी कि ख़त्म हो जाना, कम हो जाना. तो जो भीड़ थी वो मेल्ट हो गई यानी चली गई. किस तरीके से, लाइक अ लंप ऑफ शुगर, जैसे कि शुगर का वो डालें आप मुंह में लंप, तो बच्चे के माउथ में तो क्या होती है, घुल जाती है फौरन. आई कंटिन्यू टू स्टैंड हेयर, लेकिन मैं वहाँ पर खड़ा रहा, मैं नहीं गया. आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सारे लोग चले गए, तब मैंने पूछा, आई आस्क, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, तुम कैसे हो, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ अच्छा है तुम्हारे साथ. इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस्ड मी, तो इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस्ड मी, तो ये तब उसी वक्त था कि जब उसने मुझे नोटिस किया था. ही केम नियर, वो पास में आया, वो मेरे पास आया, वो मेरे पास आया एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और मुझसे नमस्कार किया और कहा, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से, मतलब आपकी ही कृपा, आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, तो मुझे मतलब आपका अटेंशन पे करवाना है, इस पर आपका अटेंशन दिलवाना है रंगास के इस कैरेक्टर पे. किस तरीके का कैरेक्टर, कि ही न्यू, वो जानता था, कौन, रंगा जानता था When it would be to his advantage to take to someone, यानी कि किस वक्त किससे कैसे बात करनी है और बात करके क्या एडवांटेज मिल सकता है या क्या होता है, मतलब ये उसके कैरेक्टर का एक पार्ट था कि उसको पता होता था कि उसे किस वक्त क्या बात और किससे करनी होती है. And rightly access people's worth, और दूसरी क्वालिटी थी कि वो वैल्यूएबल लोगों को पहचानता था कि किसे वैल्यू देनी है और किसे नहीं देनी है. एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, और जिस तरह से उसने मुझे नमस्कार किया, ही डिड नॉट डू लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, जो उस वक्त में प्रेजेंट टाइम में ऐसे बॉयज नहीं करते थे, विद हिज हेड अप टुवर्ड द सन, टुवर्ड मतलब उस तरफ, तो सन की तरफ सर अपना करके खड़े हों और अपने सन मतलब अपने सर को सूरज की तरफ किया हुआ हो, स्टैंडिंग लाइक स्टिप लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट, और एक ऐसे पोल की तरह खड़े हैं जिनमें जॉइंट नहीं है, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज ईदर एंड वॉन्ड और वॉकिंग स्टिक, और जरा सा भी उनको अगर झुकाया जाए तो ऐसे लगे किसी लकड़ी को झुकाया जा रहा है. नॉट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड, और ना ही उसने केवल अपने हाथ जोड़कर नमस्ते किया. ही बेंट लो टच माई फीट, वो पूरी तरह से बैठा और मेरे पैरों को टच किया, मेरे पैरों को छुआ. मे यू गेटिंग मैरिड सून, तो उसने बहुत प्रॉपरली तरीके से एक जो ट्रेडिशनल नमस्कार किया, उसने बिल्कुल झुक करके बेंड होकर के मेरे पैरों पे सर लगा करके. मे यू गेट मैरिड, तो आशीर्वाद क्या दिया उसने कि तुम्हारी शादी जल्दी हो. आई सेड ब्लेसिंग इन, मैंने उसको आशीर्वाद दिया.
आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्री आई लेफ्ट, और कुछ थोड़ी सी हंसी मजाक की बातें करके, खुशी भरी बातें करके मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, रंगा केम टू माय हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंज इन हैंड। तो जब फिर दैट आफ्टरनून, उस दोपहर व्हेन, जब मैं रेस्टिंग रेस्ट कर रहा था, रंगा मेरे घर आया, कुछ ऑरेंज उसके हाथ में थे, ऑरेंज संतरे। अ जनरस कंसिडरेट फेलो, वो बहुत ही दयावान और कंसिडरेट फेलो था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ये, मतलब ये समझने वाला कि लोगों की मुश्किलों को समझने वाला, लोगों को कि उनको इस बात से दुख होगा या उनको इस बात से परेशानी होगा। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, तो इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, तो ये मतलब उसने सोचा अटर्नी कि उसकी शादी को अब करा देना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा होगा कि उसकी शादी हो जाए, सेटल डाउन एंड बी अ सर्विस ऑफ सोसाइटी आई थॉट। मतलब मैंने सोचा अगर इसकी शादी हो जाए और ये सेटल डाउन हो जाए तो ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेवा करेगा लोगों की, लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, दैट आई कैन केम टू द पॉइंट, तो मैंने फिर कुछ चढ़ के लिए इधर उधर की बातें की हम लोगों ने, देन आई केम टू द पॉइंट, तब हम पॉइंट पे आ गए। रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, रंगप्पा मतलब पूछा उसने कि रंगप्पा तुम शादी के लिए कब सोच रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, तो रंगप्पा ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा। ही सेट, उसने कहा, वाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, आई नो एन ऑफिसर हु गेट मैरिड, हु गॉट मैरिड सॉरी ओनली 6 मंथ अगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक सही लड़की की तलाश है और मैं जानता हूँ कि एक ऑफिसर हैं जिन्होंने 6 महीने पहले ही शादी करी है, एंड ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, कि वो 30 साल के हैं और उनकी जो वाइफ है वो 25 ईयर्स ओल्ड है। आई एम टोल्ड, हाँ मुझे पता है, मुझे बताया गया कि दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, कि हाँ वो एक दूसरे को बहुत प्यार से बात करेंगे और प्यार से रहेंगे। लेट्स से मैं, वो कहते हैं आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, कि अगर मैं एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर भी लेता हूँ, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, तो हो सकता है कि जो शब्द मैं प्यार से बोलूँ उसको वो गुस्से वाला समझ ले। रिसेंटली अ ट्रूप इन अ बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, तो अभी जल्दी में जो एक प्ले हुआ स्टेज प्ले हुआ बेंगलोर बेंगलोर में शकुंतला, देर इज़ अ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग लाइक अ प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर। तो वो कहते हैं राइटर कि जो दुष्यंत थे वो शकुंतला के प्यार में पड़े, उनको चाहने लग गए थे, लेकिन अगर वो छोटी होती आज की ब्राइड्स की तरह, जैसे कि आज की दुल्हन होती हैं बहुत छोटी होती हैं और उनकी शादियां हो जाती हैं, तो अगर आज की तरह वो छोटी होती शकुंतला, तो क्या दुष्यंत उनसे प्यार करते, नहीं करते इस देयर की, मतलब क्या वो करते, नहीं करते। वॉट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, तो फिर कालिदास के जो प्ले था वो भी क्या होता, उसका भी कैसे क्या होता। इफ़ वंस गेट मैरिड इट शुड बी अ गर्ल हु इज़ मेच्योर, तो वो कहते हैं कि अगर कोई शादी करना चाहता है तो जो लड़की होनी चाहिए वो मेच्योर होनी चाहिए, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, अन्यथा उसको कुंवारा रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, मतलब उनका कहना था कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो जो लड़की है वो मतलब बड़ी होनी चाहिए, बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं जो है शादी नहीं कर रहा हूँ। इज देर एनी अदर रीज़न, क्या कोई दूसरा रीज़न है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल हीज एडमायर, मतलब एक आदमी को उसी से शादी करनी चाहिए जिसको वो एडमायर करता हो। वट वी हैव नाउ अरेंज मैरिज, और अभी हमारे सोसाइटीज़ में क्या हो रही है कि जो है अरेंज मैरिज ही होती हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन ऑन वन साइड और हर फेस और विटनेस और हर अदर और सो यंग दैट शी डजन इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर, तो तब उस लड़की को कोई कैसे अप्रिशिएट कर सकता है जिसके एक फेस पे दाग धब्बे लगे हों दूध के और दूसरी तरफ भी गीला गीला सा हो, बहुत गंदा सा लगा हुआ हो, तो उसको कोई कैसे एडमायर कर सकता है। और यहाँ तक कि उस लड़की को, वो इतनी छोटी है कि उसको अभी तक अपनी फिंगर को बाइट करना नहीं आता है, तो उस लड़की को कोई कैसे एडमायर कर सकता है। वन अ नीम फ्रूट और अदर इज़ अ बेटर गॉड, तो कह रहे एक तो वो नीम है नीम के जैसी और दूसरी बिटर गार्ड बहुत ही तीखी सी, मतलब एक करेला जो होता है ना वो करेले जैसी, ऐसी लड़की करेले जैसी, छोटी लड़की मतलब करेले जैसी होती जिसको ये पता ही नहीं है कि कैसे अपनी फिंगर को बाइट करेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक, रंगा सेट लाफिंग, रंगा ने कहा और हंस रहा था। आई वॉज डिस्टर्ब दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड,
तो मैं बहुत परेशान हुआ, डिस्ट्रेस हुआ कि जिस बॉय को मैं सोच रहा था कि मैं इसकी शादी करवाऊंगा और ये बहुत अच्छा हस्बैंड होगा, ही डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। लेकिन उसने तो डिसाइड किया है कि वो बैचलर रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, मतलब उससे चैटिंग करने के बाद, बहुत एक लंबी चैटिंग करने के बाद, रंगा लिफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तो उसी वक्त मैंने अपने माइंड में ये तय किया, आई मेड माई माइंड, मतलब मैंने तय किया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसकी शादी ज़रूर करवाऊँगा। रामा रॉयस अ प्रिटी गर्ल ऑफ, रामा रॉयस नीस, नीस होती है भतीजी के बोलते हैं, यानी भाई की बेटी को। तो रामा रॉयस नीस अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11 हैड कम टू स्टे विद हिम। तो वो जो उनकी भतीजी थी, वो 11 साल की थी जो उनके साथ रहने के लिए आई थी। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो बड़े शहर से थी, सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीना एंड हारमोनियम। तो वो जानती थी कि किस तरह से वीना को और हारमोनियम को प्ले किया जाता है। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी वॉइस भी बहुत सुंदर थी, मतलब बहुत अच्छी और बहुत ही अट्रैक्टिव थी, कि किसी को भी अट्रैक्ट कर सके। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट में हम इसका, इसकी नेक्स्ट आगे जो स्टोरी कैसे बढ़ी, क्या रंगा ने मैरिज करी कि नहीं करी, इस स्वीट गर्ल से वो अट्रैक्ट हो पाया, रमा रॉय जो रमा राउस थे, क्या वो कामयाब हो पाए अपने जो उन्होंने माइंड मेकअप किया है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।